ये अगर आप लोग देखेंगे तो हमारा गाड़ा कुछ ऐसा है, और हमारे आज दोनों गाड़े एक जगह पे आ गए हैं। तो ये अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, ये इधर से कुछ ऐसा है, ये ऐसा है, और ये दोनों गाड़ा हमारा आज हो गया खाली, और आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग, बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आप लोगों को आज बताया हूँ, एकदम ज़बरदस्त। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दिल से हमारे YouTube चैनल में। क्या आप भी सोच रहे हैं पानी पूरी गोलगप्पा बनाना? तो आज का वीडियो बहुत खास और बहुत जबरदस्त होगा, एकदम रोड के जैसा बताऊंगा, एकदम परफेक्ट, एकदम सटीक। ये वीडियो अगर एक बार अच्छे से देख लेंगे बहुत ही आसानी से बना लेंगे, एकदम परफेक्ट घर पर बहुत आसानी से। चलो मैं बताने से पहले आप लोगों को दिखा दूँ हमारा जो है रोड पे है कि नहीं है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा ये गाड़ा है, और एकदम गाड़ी जैसा अगर आप लोग रोड जैसा बनाने का सोच भी रहे हैं, बहुत ही एकदम परफेक्ट और ज़बरदस्त एकदम सटीक तरीका बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर अच्छे से देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे। आज का मेरा जो सामान आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा ये सूजी है, ये दोनों सूजी है पूरा, और ये सिर्फ गेहूँ का आटा और चने का बेसन, और ये हमारा खाने का सोडा। अब चलो मैं पहले छान लेता हूँ अपना सूजी, उसके बाद ये, और इधर ये रहा हमारा मशीन। अब पहले छान के मशीन के अंदर डाल देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या मिला रहा हूँ मैं। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा रवा छानने के बाद जो हमारा सूजी है, हम इसको अच्छे से छान लिए हैं, और उसके बाद इसके अंदर मिलाऊंगा ये हमारा 200 ग्राम ये चने का बेसन है, और इसको भी छान के ही डालूंगा कि मतलब इसके अंदर भी अगर कुछ हो तो जाए ना उसके अंदर, अपने पानी पूरी के अंदर। इसलिए कभी भी अच्छे से छान के ही डालना है। अब ये हिसाब से इसको भी छान लूंगा। ये अब ये हो गया हमारा, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद इसमें मिलाना है 1 किलो अपना गेहूं का देसी आटा, एकदम ये 1 किलो देसी आटा, और उसके बाद अब इसके अंदर मिलाना है मीठा सोडा अपना 25 ग्राम, ये 25 ग्राम डालूंगा इसके अंदर अपना मीठा सोडा, ये आप लोग देख सकते हैं हमारा 25 ग्राम मीठा सोडा हो गया। अब उसके बाद कर दूंगा मशीन चालू। अब ये हो गया हमारा मशीन चालू। अब सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, पहले मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से हमारा मिक्स हो जाए। ये हिसाब से थोड़ा सा इसको हम मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो आटा सूजी है ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब उसके बाद मिक्स होने के बाद फिर इसमें मैं इसको बिल्कुल एकदम नॉर्मल पानी से इसका आटा लगा लूँगा, और आटा भी एकदम ना ज़्यादा टाइट लगाना है और ना ज़्यादा नरम लगाना है, बिल्कुल एकदम मीडियम आटा एकदम लगा के तैयार करना है ताकि एकदम अच्छा आटा लग के रेडी हो और बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास एकदम फुली फुली क्रिस्पी क्रंची गोलगप्पा बने। अब ये हिसाब से मिक्स होने के बाद अब आप लोग देख सकते हैं, अब इसमें मैं बिल्कुल एकदम नॉर्मल पानी से इसका आटा लगा लूँगा। ये आप लोग देख सकते हैं पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर डालूंगा पानी। ये अगर आप लोग भी सोच रहे हैं बिल्कुल एकदम असली वाले गोलगप्पे जैसा बनाना तो बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये अब ये हिसाब से बिल्कुल एकदम नॉर्मल पानी डाल के एकदम अच्छे से इसका आटा लगा के हम तैयार कर लेंगे। ये हिसाब से अब आप लोग देख सकते हैं हमारा जो आटा है लग के हो गया रेडी। अब ये हिसाब से इसका आटा लगाना, अगर आप लोग देखेंगे तो ये ना ज़्यादा टाइट है और ना ज़्यादा मीडियम है। ये हिसाब से इसका हम आटा लगा के रेडी कर लिए हैं। उसके बाद अब निकाल लेंगे इसको बाहर, और बाहर निकालने के बाद कम से कम थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ेंगे 10-15 मिनट, ताकि हमारा थोड़ा आटा अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद फिर हम इसका लोई और पेड़ा बनाएंगे। अब ये आप लोग देख सकते हैं आटा हमारा लग के एकदम हो गया रेडी। अब इसको मैं निकाल के ऐसा पॉलीथीन के अंदर, ये इसको उठा के रखूंगा ऐसा पॉलीथीन के अंदर, ये ऐसा भर के
और इसको 10-15 मिनट छोड़ूंगा ताकि एकदम अच्छे से हमारा आटा सेट हो जाए। उसके बाद फिर निकालना है इसको ये हिसाब से। अब ये हमारा आटा निकल गया। अब आप लोग देख सकते हैं इसको मैं ऐसा पॉलीथीन में भर के, और उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूंगा कम से कम 10-15 मिनट ताकि हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद निकाल के मसल के फिर पेड़ा बनाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और बने रहिएगा वीडियो में अगर आप लोग भी असली गोलगप्पा वाले से सीखना सोच भी रहे हैं तो। ये आप लोग देख सकते हैं हमारा 10-15 मिनट होने के बाद अब इसको निकाल लेंगे इसको बाहर, और बाहर निकाल के थोड़ी देर मसलेंगे दोनों तरफ से, मिला के दोनों तरफ से ये समझो 2 मिनट, बस दोनों तरफ से मसलेंगे 2 मिनट। उसके बाद इसका हम लाट लगा लेंगे। और पूरा अगर ये वीडियो अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे बिल्कुल एकदम रियल में गोलगप्पा बनता कैसा है। बहुत ही आसानी से घर बैठे सीख जाएंगे, और घर पे अगर बना के खाने के लिए सोच रहे हैं ना तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप लोगों के समझ में जो ना आया आप लोग कमेंट जरूर करें ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से और अच्छे से बता पाऊँ और अच्छे से सिखा पाऊँ आप लोगों को। अब ये हिसाब से हम इसको अच्छे से मसल लेंगे ताकि हमारा आटा जो है अच्छा बढ़िया साफ हो जाए। अब ये एक तरफ से मसलने के बाद अब इसको पलट के ये ऐसा इधर से भी मसल लेना है, ये इधर से भी। अब इधर से भी थोड़ी देर 1 मिनट मसल लेंगे, उसके बाद फिर इसका लाट लगा लेना है। अब ये दोनों तरफ से मसलने के बाद अब इसका कटिंग कर लेना है। ये हिसाब से हो गया कटिंग। कटिंग करने के बाद अब इसका हम लाट लगा लेंगे। आज मैं पूरा A to Z दिखाऊंगा और बताऊंगा अच्छे से ताकि आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ पाओ, और उसके बाद घर पर बनाओ बिल्कुल एकदम आसान। और अगर ये वीडियो रियल में आप लोग एक बार पूरा अगर अच्छे से देख लेंगे ना, मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ कि बहुत ही आसानी से और बहुत ज़बरदस्त तरीके से घर पर बनाना सीख जाएंगे। सिर्फ जैसा मैं तरीका बता रहा हूँ वैसा ही बनाना है, दूसरा कुछ तरीका नहीं लगाना है। अब आप लोग अगर देखेंगे तो ये हिसाब से अब इसको लंबा करके हम इसका लाट लगा के कटिंग कर लेंगे। अब ये आप लोग देख सकते हैं दबाने के बाद अब इसका कटिंग कर लेना ये हिसाब से, ताकि पेड़ा एकदम परफेक्ट और अपने हिसाब से एक जैसा बना सके। इसलिए हम लोग इसको पहले हम कटिंग कर लेते हैं ताकि हमारा जो लोई है हमारा गोली है एक साइज का बने। अब इधर का हो गया, अब इधर का भी ऐसा कर लेंगे। अब जो कटिंग करने के बाद जो ये अब इसको उठा के ऐसा वापस पॉलीथीन में रख लेना है, और पॉलीथीन से बाहर कभी नहीं रखना है। और एक चीज़ बिल्कुल ध्यान देना, हवा बिल्कुल ना लगे। उसके बाद अगर हवा लगेगा तो आप गोलगप्पा पानी पूरी जो बनाने का सोच रहे हैं पूरा पपड़ी पूरी बन जाएगा। इसलिए कभी भी जो मैं तरीका बता रहा हूँ कि मतलब अच्छे से सिर्फ एक बार देखेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे कैसे कैसे क्या करना है। उधर देखेंगे तो उधर भी पॉलीथीन में भर के रख लिए और इधर ये भी। अब ये हिसाब से रखने के बाद चलो मैं आप लोगों को अब पेड़ा बना के दिखाता हूँ। अब ये इसमें से एक निकालना है, उसके बाद ये हिसाब से लंबा करना है, और लंबा करने के बाद बिल्कुल एकदम अपने हिसाब से ना ज़्यादा मोटा रहे ना ज़्यादा पतला रहे, बिल्कुल एकदम मीडियम में रखने के बाद इसका पेड़ा बनाना है ये बिल्कुल एकदम अच्छे से। और यही चीज़ अगर जब आप लोग नया नया बनाएंगे ना तो बिल्कुल एक जैसा कभी नहीं बनेगा, 2-4-10 दिन तो कम से कम हाथ जो है बैठने में लगे जाएगा। इसलिए कभी भी एकदम ध्यान से थोड़ा आराम से एकदम अच्छे से बनाओ पेड़ा इसका, और पेड़े का जो वजन रहेगा कम से कम हमारा 5 से 6 ग्राम, और 6 ग्राम से ज़्यादा बिल्कुल ना रहे। ये बिल्कुल ध्यान देना कि मतलब उससे ज़्यादा बिल्कुल ना रहे। अब ये हिसाब से हम पेड़ा बना लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर क्या मिलाना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों के लिए बिल्कुल एकदम टेंशन ख़त्म हो जाए, किसी गोलगप्पे वाले से किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। अब ये हमारा जो लोई है आप लोग देख सकते हैं गोली पेड़ा हमारा ये बनके हो गया रेडी। उसके अंदर अब ये हल्का सा ये हमारा देखो, ये अगर अच्छे से देखेंगे हमारा गेहूं का आटा, और वही आटा हल्का सा लेना हाथ में बिल्कुल एकदम हल्के हाथों से मिला देना है, और दूसरा कुछ नहीं करना। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं जो बेल के रखना है, और इधर ये देखो इधर भी पेड़ा बन रहा है और उधर भी पेड़ा बन रहा है। उसके बाद इधर
जो बेल के रखना है, बेल के रखना कैसा है ये आप लोग देख सकते हैं। ये नीचे एक कच्चा कपड़ा पहले थोड़ा सा हल्का सा भिगो के इसको निचोड़ के उसके बाद नीचे सबसे पहले बिछा दिए। बिछाने के बाद उसके ऊपर ये सूखा कपड़ा बिछा देना है और उसके ऊपर ही बेल के रखना है। और ये देखो ये हिसाब से अब इसके ऊपर बेल के रखना है। इधर देखो ये इधर भी हमारा जो पेड़ा है बन के हो रहा है रेडी। इधर हम करेंगे कटिंग और इधर इसका बेलाई चालू रहेगा। अब ये हिसाब से हम इसको बेल बेल के रखेंगे। अब ये हिसाब से हम इसको अब अच्छे से बेल के रखेंगे। और कभी भी बेल पेड़ा बनाते समय और बेलते समय बिल्कुल ध्यान देना है कि मतलब इसको एकदम अच्छे से कोशिश करें एक साइज का बने। पेड़ा बनाओ तो एक साइज का बनाओ और अपना बेलो तो एकदम ना मोटा रहे ना पतला रहे। अगर मोटा पतला रहेगा तो भी ख़राब होगा। ये मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि कभी भी जो मैं बताता हूँ रियल बताता हूँ, सवेरे सवेरे मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। और मेहरबानी करके जो लोग सोच रहे होंगे ऐसा कि मतलब फेक बता रहे या झूठ बता रहे, तो आप लोग रियल में एक बार करके देखो, समझ में आ जाएगा सही है कि झूठ है। और जिसका भी गोलगप्पा पानी पूरी नरम हो रहा है, नहीं बन रहा है अच्छे से, तो ये वीडियो अगर आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे कि हाँ क्या करना कैसे करना है। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा बेल के जो हम लोग रख रहे हैं, अब ये हिसाब से हम इसको पूरा बेल लेंगे। बेलने के बाद फिर मैं आप लोगों को अभी जब इसको ले चल के फ्राई करूंगा फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मतलब कैसे करना है। और एक चीज़ उससे पहले मैं बता दूं फ्राई करने से पहले कि इसको जब बेल के अगर जैसा आधा किलो एक पाव और आधा किलो पाव किलो और एक किलो अगर बना रहे हैं कभी भी, तो इसको कम से कम बेलने के बाद एक घंटा कम से कम इसको छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद फ्राई करेंगे, बिल्कुल एकदम क्रिस्पी और करंची बनेगा। अब चलो मैं आप लोगों को अभी फ्राई करते समय फिर दिखाता हूँ हमारा गोलगप्पा बनता कैसा है, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। अब आप लोग देख सकते हैं जो हमारा पानी पूरी फ्राई होके निकल रहा है, और ये देखो कितना क्रिस्पी और कितना करंची है। ये अगर ये हिसाब से आप लोग भी सोच रहे हैं बिल्कुल एकदम बाजार जैसा पानी पूरी गोलगप्पा बनाना घर पर, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं। और इधर अभी हमारा पेटी देखो अभी खाली पड़ा है, अब इसको हम पहले करेंगे साफ उसके बाद फिर इसके अंदर भरेंगे। और चलो मैं दिखाता हूँ जो हमारा फ्राई हो रहा है, नहीं तो आप लोग बोलेंगे पहले का दिखा दिया और जो फ्राई कर रहे हैं वो नहीं दिखाए, तो मैं पहले दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। अब इधर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा फ्राई हो रहा है ये, और कैसा फूल रहा है आप लोग देख सकते हैं, ये कितना बढ़िया ज़बरदस्त, ये देखो ये हिसाब से अगर आप लोग भी सोच रहे हैं देखो कितना बड़ा बड़ा और कितना ज़बरदस्त। ये हिसाब से अगर आप लोग सोच रहे हैं गोलगप्पा पानी पूरी घर पर बनाना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। और देखो वहाँ फ्राई होके निकाल रहे हैं और इधर से उठा के जो फेंक रहे हैं, मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये सिर्फ कैसा भी उठा के कढ़ाई के अंदर फेंक देना है बस। ये अभी देखो निकालने के बाद सीधा कढ़ाई के अंदर फेंको, उसके बाद देखो एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास एकदम फूल के आएगा। ये फेंक दिया कढ़ाई के अंदर, देखो गया कढ़ाई के अंदर और देखो कैसा फूलेगा। ये है बिल्कुल एकदम एकदम बाजार जैसा। और ये जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब आप लोग एक साइज का बेलेंगे ना तो आपका पपड़ी बनने का बहुत कम चांस रहेगा। अगर इसमें भी थोड़ा भी मोटा पतला होगा तो आपका पानी पूरी गोलगप्पा पपड़ी बहुत ज़्यादा बनेगा, इसलिए इस बात का बिल्कुल ध्यान दें। और देखो ये यहाँ फ्राई होके जो मेरा निकल रहा है आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम आसान और बिल्कुल एकदम सटीक, बिल्कुल बाजार जैसा। अगर सोच रहे घर पर बनाना तो बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये अगर आप लोग देखेंगे तो हमारा गाड़ा कुछ ऐसा है और हमारे आज दोनों गाड़े एक जगह पे आ गए हैं। ये अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को इधर से कुछ ऐसा है, ये ऐसा है और ये दोनों गाड़ा हमारा आज हो गया खाली। और आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग, बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आप लोगों को आज बताया हूँ, एकदम ज़बरदस्त। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।